नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन पर। साथियों, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स लेक्चर 2 बाय राघव सर। आपने कल पढ़ा था इकोनॉमिक्स लेक्चर 1, और इकोनॉमिक्स लेक्चर 1 में हमारा जो लेक्चर था वो साथियों क्या था, आप सबको पता होना चाहिए। वो लेक्चर था जिसका नाम था पंचवर्षीय योजनाएं, आर्थिक नियोजन के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, सब बच्चे जुड़ जाइए जबरदस्त तरीके से। हाँ, बेहतरीन, सभी आ जाओ फटाक से। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्ते, राम 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 राम। चलिए, सब बच्चे आ चुके हैं। तो इकोनॉमिक्स का लेक्चर 1 देखा था आपने, बहुत अच्छे समझा था कि वहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो मैंने आपको आर्थिक नियोजन के बाद पंचवर्षीय योजनाएं पूरी पढ़ा दी थी। अब पूरी हमने तो पढ़ाई नहीं थी बच्चे, 5 ईयर जो प्लान हम पढ़ा रहे थे आपको पंचवर्षीय योजनाएं, वो हमने पूरी तो आपको पढ़ाई नहीं थी। पढ़ाई कितनी थी वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ थी आपको 1 से लेकर 4 तक का। 4 भाई साहब आपको जबरदस्त तरीके से हमने आपको पूरी पढ़ा दी थी पंचवर्षीय योजनाएं, पहली दूसरी तीसरी चौथी, है ना, और फिर योजना अवकाश भी पढ़ा दिया था। अब जो भाई साहब योजना अवकाश के बाद आज बात करेंगे हम लोग, वो बात क्या करेंगे, 5th 5-year plan, 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। तो जी, आप सबको हमने बताया था कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो 1969 से लेकर 1974 तक थी। जो पांचवी थी बच्चे 1974 से लेकर 1978 तक थी। तुम्हारे मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर 5 साल की परियोजनाएं चल रही थी तो आखिरकार ये 78 तक क्यों, 79 तक होनी चाहिए थी। तो उसका भी मैं यहीं पर रीजन आपको दूंगा। पहले तो आप बस इतना समझ लो कि 1974 से 78 तक की 5वीं पंचवर्षीय योजना चलेगी। कितने साल चलेगी, सिर्फ और सिर्फ 4 साल। ठीक है, अब बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया, जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया वो कितना रखा गया, 4.4%। और जो भाई साहब प्राप्ति हुई है, जो प्राप्ति हुई है वो कितने परसेंट प्राप्त हुई, 4.5% भाई साहब प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चे, इस पंचवर्षीय योजना में टारगेट किस चीज पर किया गया, तो टारगेट इस पंचवर्षीय योजना में किया गया गरीबी उन्मूलन पर, मतलब गरीबी को मिटाने के लिए टारगेट किया गया बच्चे 5वीं पंचवर्षीय योजना में। याद कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है, ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। बिल्कुल, अब बात समझो, इंदिरा गांधी जी का पूरा लक्ष्य था कि भारत में उन्होंने 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे गरीबों को भी एक प्रकार से क्या मिल जाए, लोन मिल जाए बैंकों में आसानी से। ठीक है, इसके लिए उन्होंने 1969 में 14 बैंकों का किया था, जिन बैंकों के पास 14 करोड़ पूंजी थी, सॉरी 50 करोड़। बच्चे अभी इंदिरा गांधी जी रुकी नहीं, उनके मन में बात आई कि जो बैंकें थी उस शहर के ग्रामीणों को तो पैसा मिल जा रहा था, लेकिन गाँव तक का बैंकों द्वारा जरूरतें नहीं पूरी हो पा रही थी। तो इंदिरा गांधी जी ने किया क्या बच्चे, 2 अक्टूबर 1975 को स्थापना कर दी किसकी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक याद कर लेना, 2 अक्टूबर 1975 को स्थापना हुई, जिसको कहते हैं RRB, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को, जिससे गांव में भी लोगों को आसानी से सारी सुविधाएं मिल सके। ठीक है, अगला एक बच्चे बहुत प्यारा सा प्रश्न आता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो आप याद कर लेना, गरीबी हटाओ का नारा बच्चे 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। क्लियर है, हाँ, एक एक प्रश्न बताएंगे, बिल्कुल विधिवत बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फिर बच्चे, अब गरीबी उन्मूलन, इस पंचवर्षीय योजना का टारगेट ही था कि गरीबी को भाई साहब मिटाना। तो इन्होंने एक कार्यक्रम लाए, उस कार्यक्रम का नाम रखा 20 सूत्री कार्यक्रम। अगर आपसे कहा जाए कि 20 सूत्री कार्यक्रम बच्चे किस वर्ष आया, तो
तो याद कर लेना 1975 में आया, ठीक है। अब याद कर लेना 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में आया, किसके लिए आया, तो याद कर लेना गरीबी को हटाने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए बच्चे कौन सा कार्यक्रम आया, 20 सूत्री कार्यक्रम आया, कब आया, 1975 में। तो आप ये भी आराम से अच्छे से बता सकते हो, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, हाँ हर एक चीज समझते, चलो बिल्कुल अच्छे से। अब तुम्हारे मन में बात आ रही होगी, सर जब पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए थी तो 74 से पूरा 79 तक चलना था, तो 78 में क्यों बंद हो गई भाई साहब, 78 में से क्यों भाई साहब हो गई बंद, तो याद कर लेना 78 में से बंद इसलिए हो गई, तो उसका भी रीजन था, मृदुल बेटा पीडीएफ मिलती है, पीडीएफ कल वाली भी लोड हो गई, आज वाली भी लोड हो रही, ठीक हो जाएगी, तो ये आखिरकार 4 साल में ही क्यों बंद हो गई, तो मेरी बात समझना, क्या समझोगे आप बच्चे, हुआ क्या था कि 1977 76 77 के मध्य के दौरान इंदिरा गांधी जी की सरकार समाप्त हो गई, इंदिरा गांधी जी की सरकार की जगह पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी, पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, ठीक है, कहने का मतलब है। और यह गैर कांग्रेसी सरकार का मतलब, जब से जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के थे, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी जिसमें भाई साहब पीएम कौन बने, मोरारजी देसाई, भाई साहब पहले ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। और सबसे बड़ी बात बता दें, तो सिंपल से बात, जब कोई नई पार्टी की सरकार बनती है तो पुरानी पार्टी की सरकार में कुछ ना कुछ कमियां जरूर निकालती है, चाहे उसने बहुत अच्छे कार्य किए हों। तो मोरारजी देसाई ने कमी यही निकाल दी कि पंचवर्षीय योजना एक प्रकार से कांग्रेस की सोची समझी चाल है, इसको इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और याद कर लेना बहुत प्यारा सा प्रश्न आता कि मोरारजी देसाई ने, सिंपल सी बात, जब इसको समाप्त कर दिया, इस वर्ष सरकार बन गई, तो भाई साहब उसको 1979 तक का जाने नहीं दिया, उसको 1978 में रोक दिया। तो पेपर में प्रश्न आता, कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो सिर्फ 4 साल ही चली, तो याद कर लेना 5वीं पंचवर्षीय योजना ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो 4 साल ही चली, ठीक है, कौन सा, तो याद कर लेना 5वीं, चलिए इतनी बात समझ में आ गई बच्चे, तो आपको पता चल गई कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो सिर्फ 4 साल चली, 5वीं, ठीक, क्योंकि गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई की बन गई थी, इन्होंने भाई साहब क्या किया, इस प्लान को हटा दिया, 5 ईयर प्लान को हटा दिया, और 5 ईयर प्लान की जगह भाई साहब ये क्या ले आए, रोलिंग प्लान। तो पेपर में प्रश्न आता कि रोलिंग प्लान कौन से प्रधानमंत्री लेकर आए, मोरारजी देसाई। रोलिंग प्लान को हिंदी में अनवरत योजना कहते हैं, अनवरत योजना कहते हैं, तो ये लेकर आए अनवरत योजना, मतलब रोलिंग प्लान। अब बात आती है रोलिंग प्लान, भाई साहब कौन से ऐसे अर्थशास्त्री थे, एक प्रकार से रोलिंग प्लान के जनक कौन है, मतलब इसको विकसित किसने किया था, तो विश्व में, तो याद कर लेना उन व्यक्ति का नाम था गुन्नार मेल्डर, क्या नाम था, गुन्नार मेल्डर। और गुन्नार मेल्डर की एक इकोनॉमिक्स की
पुस्तक भी आती है जो पेपर में बहुत परीक्षा में पूछी जाती है, उसका नाम है द एशियन ड्रामा, याद कर लेना। द एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? गुन्नार मिर्डल है, और ये रोलिंग प्लान के जनक है जिसको मुरारजी देसाई ने भारत में पंचवर्षीय योजना की जगह लागू किया था। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया। तो बच्चे 1978 में रोक दी गई, तो यहाँ पर क्या हो गया? योजना अवकाश हो गया। इन्होंने तुरंत क्या किया? पंचवर्षीय योजना को रोक दिया और भाई साहब रोलिंग प्लान ले आए। रोलिंग प्लान जो चला 1978 से 1979 तक, 1979 से 1980 तक। क्यों? क्योंकि भाई साहब चलना था रोलिंग प्लान को पूरा का पूरा 5 साल, मतलब 1978 से 1983 तक का। लेकिन हुआ क्या, 1980 में फिर पुनः इंदिरा गांधी जी की सरकार आई, और जैसे ही इंदिरा गांधी जी की सरकार 80 में आई, उन्होंने रोलिंग प्लान को रोक दिया, फिर भाई साहब क्या कर दिया? पंचवर्षीय योजना को लागू कर दिया। तो एक बार कमेंट करके बताओ आपको समझ में आ गया, एक बार कमेंट करके बताओ क्या बच्चे आप सबको समझ में आ गया ये बात? इंदिरा गांधी जी ने फिर तुरंत उन्होंने क्या किया? रोलिंग प्लान को रोक दिया और तुरंत फिर पंचवर्षीय योजना लेकर आ गई, और तुरंत पंचवर्षीय योजना लेकर आ गई, जिसके बाद भाई साहब एक नई पंचवर्षीय योजना आती है। तो अब आपको पता चल गया, पहली बार जो योजनाओं का आया था 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, जो दूसरी बार योजनाओं का आया 78 से 79, 79 से 80, इस बार सिर्फ 2 साल के लिए आया था, पहली बार 3 साल के लिए आया था। उम्मीद करते हर एक प्रश्न, हर एक चीज क्लियर हो गई होगी अच्छे से बच्चे। अब यहाँ पे इसीलिए इंदिरा गांधी जी की पुनः सरकार आ गई वापस, तो भाई साहब छठवीं 5-ईयर प्लान, मतलब छठवीं पंचवर्षीय योजना, 6-5-ईयर प्लान। तो 6-5-ईयर प्लान में क्या हुआ, तो बहुत अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहले तो छठवीं पंचवर्षीय योजना का जो एक प्रकार से टारगेट रखा गया, वो टारगेट क्या रखा गया? तो टारगेट बच्चे इसका ये रखा गया कि एक प्रकार से गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, गरीबी निवारण एवं आर्थिक विकास, एवं आर्थिक विकास। बच्ची ये छठवीं पंचवर्षीय योजना का प्लान था। दूसरी बात, छठवीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितना रखा गया? तो आपको पता होना चाहिए विकास दर में 2 लाइनें इंपॉर्टेंट होती, एक लक्ष्य कितना रखा गया, एक प्राप्ति कितनी हुई। तो बच्ची याद कर लेना, लक्ष्य जो रखा गया 5.2%, जो प्राप्ति हुई बच्चे 5.7%, ठीक है, ये भी आप अच्छे से याद कर लेना। 5.2% लक्ष्य रखा गया, 5.7 भाई साहब छठवीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त हुआ। तो उम्मीद करते इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से, आ गई। चलो अब छठवीं पंचवर्षीय योजना में भाई साहब क्या क्या हुआ? तो इंदिरा गांधी जी के सामने एक समस्या थी कि अभी तक जितनी बैंकों को उन्होंने राष्ट्रीयकृत किया था, 14 बैंकों को, वो अपर्याप्त पड़ रही थी, मतलब कमी आ रही थी, वो भी लोन दे नहीं पा रही थी। तो उन्होंने भाई साहब ऐसी 6 बैंकें और चिन्हित की जिसको उठा के उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो पेपर में प्रश्न आता है कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो याद कर लेना, 6 बैंकों का बाद में जो राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने किया वो बच्चे किस वर्ष किया? 1980 में किया। पहले जो 14 बैंकों किया था, कब किया था? 1969 में किया। और बच्चे ये जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है इंदिरा गांधी जी ने, ये याद कर लेना किन बैंकों का किया? जिन बैंकों की पूंजी 200 करोड़ रुपए से ऊपर थी, और पहली बार जब 14 बैंकों का किया था, उनका किया था जिनकी पूंजी 50 करोड़ से ऊपर थी। तो उम्मीद करते आपको ये भी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर है। फिर बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, 12 जुलाई 1982 को इस पंचवर्षीय योजना के दौरान एक ऐसी संस्था की स्थापना हुई जो गांव में किसानों से संबंधित लोन प्रदान करती थी। उस संस्था का नाम था नाबार्ड। क्या नाम था भाई साहब? नाबार्ड, क्लियर है। नाबार्ड का अगर फुल फॉर्म करें बात, तो याद कर लेना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ये भी पेपर में प्रश्न आता, तो आप बता ले जाओगे अच्छे से, परीक्षा आप निकाल ले जाओगे। अब अगर मैं यहीं पे कर दूं, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर बच्चे? तो याद कर लेना, नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में। फिर अगर मैं बात करूं नाबार्ड की स्थापना बच्चे किस समिति के आधार पर हुई, तो याद कर लेना, नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी इसको रिकमेंडेशन किया था किसने भाई साहब? सुझाव दिया था, तो एक लोग थे शिवरमन, उनके नाम पर एक समिति बनी थी, शिवरमन समिति। इन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि नाबार्ड की स्थापना होनी चाहिए, और नाबार्ड के नाम में सारी चीजें छिपी हुई हैं।
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल, मतलब गांव में जो कृषि से संबंधित विकास चाहिए उसके लिए जो लोन प्रदान करेगा वो कौन करेगा? नाबार्ड करेगा। एक प्रकार से कह सकते हो हिंदी में कृषि क्षेत्र में ऋण सुविधा भाई साहब कौन देगा? नाबार्ड देगा। तो भाई साहब ये छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू हुआ था, और याद कर लेना छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1982 में एक बैंक की स्थापना हुई थी, उस बैंक का नाम है एक्जिम बैंक। 1982 में एक बैंक की स्थापना हुई थी, उसका नाम था एक्जिम बैंक। ईएक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट और आईएम का मतलब होता है इंपोर्ट। इसका मतलब एक्सपोर्ट मतलब भाई साहब निर्यात और इंपोर्ट मतलब आयात। तो आयात और निर्यात बैंक की स्थापना बच्चे किस वर्ष हुई थी? 1982 में हुई थी। ये भी याद कर लेना छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से। कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत है लाला? कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल आनंद जी, बिल्कुल जोड़ी जाएगी, बिल्कुल डोंट वरी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। 5.2% इसका टारगेट था, प्राप्त हुआ 5.7%। अब हम लोग बात कर लेते हैं बहुत अच्छे से अगली पंचवर्षीय योजना की ओर। अगली पंचवर्षीय योजना हमारी है सातवीं पंचवर्षीय योजना, मतलब 7th 5-year plan। और 7th 5-year plan बच्चे याद कर लेना कब से कब तक चली? तो याद कर लेना 1985 से 1990 तक, सातवीं पंचवर्षीय योजना। और सातवीं पंचवर्षीय योजना का बच्चे टारगेट क्या कर लेना? टारगेट क्या था? जन रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य। रोजगार कामा शिक्षा कामा जन स्वास्थ्य, ये बच्चे किसका टारगेट था? तो याद कर लेना ये टारगेट था सातवीं पंचवर्षीय योजना का। और सबसे बड़ी बात बताते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था, मॉडल का नाम क्या था? तो याद कर लेना जॉन डब्लू मिलर मॉडल। जॉन डब्लू मिलर मॉडल बच्चे ये मॉडल का नाम था सातवीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितना रखा गया, मतलब ग्रोथ रेट। बच्चे ग्रोथ रेट याद कर लेना, इसमें जो लक्ष्य रखा गया, टारगेट रखा गया, वो कितने परसेंट का रखा गया? तो याद कर लेना 5% का। बच्चे जो इसमें प्राप्ति हुई वो कितने की हुई? तो याद कर लेना 6%। 5% लक्ष्य रखा गया, कंप्लीट कितना हुआ, अचीवमेंट कितना हुआ? 6% का। तो इतनी बात आपको जबरदस्त तरीके समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अब बच्चे इस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ क्या क्या काम, ये भी याद कर लेना। सबसे पहले तो एक याद कर लेना 1986 में स्पीड पोस्ट की स्थापना हुई। स्पीड पोस्ट मतलब डाक को बहुत तेजी से लोगों के पास पहुंचाने के लिए एक स्पीड पोस्ट का स्थापना हुई, जिसको स्थापना 1986 में हुई। पहला पॉइंट आप यहां पे ये याद कर लेना। ठीक है, दूसरी भाई साहब दूसरा काम क्या हुआ? तो दूसरा काम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या हुआ, 12 अप्रैल 1990 को किसकी स्थापना हुई? सेबी की। सेबी, सेबी भी एक प्रकार से संस्था है, क्या फुल फॉर्म है? तो याद कर लेना सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बच्चे सेबी का भी हेडक्वार्टर कहां पर है? सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में। सेबी का हेडक्वार्टर बच्चे कहां पर है? मुंबई में। आप बहुत अच्छे से चीजों को बता सकते हो जबरदस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं, इतनी बात समझ में आ गई। फिर बच्चे याद कर लेना, तो ये स्थापना बच्चे सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको देखने मिलती है। यहीं पर भाई साहब एक हुई थी जिसका नाम है जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार की योजना की स्थापना अप्रैल 1989 में। ये किसके लिए आई थी? तो याद कर लेना ग्रामीण युवकों को लिए, मतलब रूरल एरिया में आई थी। और किसके लिए आई थी स्पेशली? ग्रामीण युवकों को रोजगार देने के लिए, ग्रामीण युवकों को रोजगार देने के लिए। और इसी प्रकार एक नाम और आया था जवाहर के बाद, एक शब्द क्या लग जाता, नेहरू रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना। और नेहरू रोजगार योजना बच्चे का भाई अक्टूबर 2, 1989
और सबसे बड़ी बात, अक्टूबर 1989 मतलब शहरी युवकों को रोजगार देने के लिए, किसको? शहरी युवकों को रोजगार देने के लिए कब आई योजना? नेहरू रोजगार योजना। तो आप अक्टूबर 1989, तो इस प्रकार आप भाई साहब ये भी बता सकते हो। तो एक बार फटाक से कमेंट करके बताओ, सातवीं पंचवर्षीय योजना समझ में आ गई? हाँ, एक चीज और याद कर लेना, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक प्रश्न और पूछा जाता तो आप बता ले जाओगे, गरीबी भी, गरीबी की सर्वप्रथम माप किसने की? तो याद कर लेना, लकड़वाला समिति ने। गरीबी की माप सर्वप्रथम किसने थी? तो बच्चे याद कर लेना, लकड़वाला समिति ने। लकड़वाला समिति ने सबसे पहले गरीबी की माप की थी, ये भी आप बता ले जाओगे, ठीक है? चलिए इतिहास। हाँ, सेबी का मतलब होता पूंजी बाजार पर नियंत्रण रखना। तो इस प्रकार भाई साहब कमेंट करके बताओ, फटाक से समझ में आ गई सातवीं पंचवर्षीय योजना, सबके दिमाग में क्लियर हो गई? चलिए जल्दी बताओ फटाफट कमेंट करके, फिर हम लोग बात करते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। फिर हम लोग बात करेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना की तरफ, ठीक है? चलिए, अजय भास्कर जी, पीएम का नाम यहां जरूर नहीं है। पीएम के नाम आप जब पॉलिटी में पढ़िएगा उसके बाद आप यहां पे रिलेट कर लेना, कौन सा पीएम कितने समय तक रहा, ठीक है? चलिए बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बता दूं, अब यहां पर क्या हुआ था, भारत देश में आर्थिक मंदी की समस्या आ गई थी, आर्थिक मंदी की समस्या आ गई, तो इसके कारण फिर से योजना अवकाश लाना पड़ा। और ये योजना अवकाश भाई साहब दो साल के लिए चला, 1990 से 91 और 91 से 92, दो साल का योजना अवकाश रहा सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद, क्लियर है? इसीलिए दो साल का योजना अवकाश रहा। उसके बाद भाई साहब जो अगली पंचवर्षीय योजना आएगी, आठवीं पंचवर्षीय योजना आएगी, 8-5 ईयर प्लान। जो आठवीं पंचवर्षीय योजना आई वो बच्चे कब से कब तक आई, तो याद कर लेना 1992 से 1997 के बीच आठवीं पंचवर्षीय योजना, क्लियर है? अब आठवीं पंचवर्षीय योजना में सबसे बड़ी बात याद कर लेना बच्चे, इसमें विकास लक्ष्य कितना रखा गया, विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया? लक्ष्य रखा गया 5.6, प्राप्ति कितनी हुई बच्चे 6.8%। तो इस प्रकार आप ये भी बता लोगे। दूसरी बात बाद में करूं, आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था, जो सातवीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल था, वही भाई साहब आठवीं में मॉडल लगेगा। सातवीं मॉडल क्या था? जॉन डब्ल्यू मिलर, तो याद कर लेना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ठीक है? बता ले जाओगे आराम से। तो ये आठवीं पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना में सबसे मेन काम क्या हुआ, तो याद कर लेना 1 जनवरी 1995 को भारत WTO का सदस्य बना, WTO का सदस्य बना। अब तुम कहोगे सर जी WTO क्या होता है, तो WTO बच्चे याद कर लेना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। और WTO को पहले हम लोग GATT के नाम से जानते थे, किस नाम से जानते थे? GATT के नाम से जानते थे WTO को। जिनेवा स्विट्जरलैंड में सबसे बड़ा शहर है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न होती है बच्चे, याद कर लेना WTO वही है, ठीक है? WTO जो है GATT का नाम है, GATT का फुल फॉर्म मैंने बताया था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। जिन बच्चों को ना पता हो, स्टैटिक जेके के नंबर 1, नंबर 2 लेक्चर जाके देख लेना, पता चल जाएगा आप सबको, ठीक है? 1 जून 1995 को भारत WTO का सदस्य बना। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ, 1 अगस्त 1995 में, अगस्त 1995 में आप सबको पता है सरकारी स्कूल में बच्चों के खाने पीने के लिए मिड डे मील एक योजना चलती है भाई साहब, मध्यान्ह भोजन योजना। तो मिड डे मील योजना कब से स्टार्ट हुई थी, अगस्त 1995 में, कौन से भाई साहब 5 ईयर प्लान में आई थी, तो आठवें पंचवर्षीय योजना के दौरान, क्लियर हो गई बात? अब बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्या था, 1991 में एक नीति आई थी, उसका नाम है नई आर्थिक नीति, पेपर में पूछा जाता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब भाई साहब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, तो मैं बता दे रहा हूँ, भारत देश बहुत ही ज़्यादा वित्तीय संकट से जूझ रहा था, लेकिन सौभाग्यवश भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, ठीक है? और नई आर्थिक नीति में क्या आया था, इस पॉलिसी को भाई साहब LPG पॉलिसी कहते थे, LPG पॉलिसी। अभी LPG पॉलिसी लाई किसके द्वारा गई थी, तो उस समय वित्त मंत्री जो थे वो कौन थे, मनमोहन सिंह,
उसमें वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे, और आपको मैं बताना चाहता हूँ मनमोहन सिंह जी एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री रह चुके हैं और आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। वो एलपीजी पॉलिसी लेकर आए थे। एल का मतलब होता है लिबराइजेशन, लिबराइजेशन मतलब उदारीकरण, उदारीकरण। पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। इस प्रकार एलपीजी पॉलिसी मनमोहन सिंह लाए थे, इसको हम लोग नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। और इस समय जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे उसमें भाई साहब भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो याद कर लेना भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पीएम, पीएम जो थे नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव भारत के कौन थे हुआ करते थे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पीवी नरसिम्हा राव, याद कर लेना पीवी नरसिम्हा राव। तो मैं बता दूं इसीलिए इस नीति को, नई आर्थिक नीति को नरसिम्हा पॉलिसी भी बोलते हैं। ठीक है, मनमोहन सिंह जी तो जी थे तो भाई साहब उन्होंने भारत को वित्तीय संकट से बचा लिया। उन्होंने कहा कि जितनी नई उद्योग फैक्ट्री लगाई जाए उनके लाइसेंस में थोड़ी ढील दी जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न होंगे। निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए जिससे लोगों को ये फील्ड खुलेंगी, अवसर मिलेंगे रोजगार के। वैश्वीकरण पूरे विश्व में आसानी से लेबर, पूंजी, कच्चा माल सबकी उपलब्धता हो। तो इस प्रकार ये था आठवां पंचवर्षीय योजना। अब बच्चे आठवें पंचवर्षीय योजना के बाद अगर हम लोग बात करते हैं अगले पंचवर्षीय योजना की तो वो है नवा पंचवर्षीय योजना। और जो नाइन्थ नंबर की पंचवर्षीय योजना है, नाइन्थ फाइव ईयर प्लान, बच्चे कब से कब तक आया तो याद कर लेना 1997 से सन 2002 के बीच में। नवी पंचवर्षीय योजना 97 से सन 2002 के बीच में आई थी। बच्चे इस मॉडल का अगर नाम आपसे पूछा जाए तो इनपुट आउटपुट मॉडल होता है। रफिया थैंक यू, बच्चे रफिया कह रही है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू सो मच। ठीक है बच्चे याद कर लेना इस मॉडल का नाम है इनपुट आउटपुट मॉडल। देखो जो जरूरी है हमने वही मॉडल बताए, ये मत कर देना सर जी ये वाला बताओ ये वाला नहीं बताया वो वाला नहीं बताया। ठीक है इनपुट आउटपुट मॉडल आप याद कर लेना। दूसरी बात बहुत अच्छे से याद कर लेना इसका जो विकास दर है, हाँ इसका जो विकास दर है बच्चे याद कर लेना विकास दर में लक्ष्य कितना रखा गया, लक्ष्य रखा गया 6.5% का। लेकिन बच्चे जो प्राप्ति हुई विकास दर की तो भी याद कर लेना 5.5% की, लक्ष्य रखा गया 6.5% का, प्राप्ति हुई 5.5% का, ये भी आप आसानी से बता सकते हो। और अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण ये वाली वृद्धि ये वाली क्या हो गई एक प्रकार से असफल हो गई। ठीक है बहुत अच्छे से याद कर लेना इस पंचवर्षीय योजना के दौरान सबसे बड़ी बात क्या हुई, सभी लोगों को साक्षर करने की आवश्यकता थी, मतलब पढ़ाई पर ज़्यादा जोर देना था। इसीलिए एक पेपर में प्रश्न आता है सर्व शिक्षा अभियान इसी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े सन 2000 और सन 2001 के बीच में सर्व शिक्षा अभियान आया था, तो आप बता सकते हो आसानी से, आप आसानी से बता सकते हो। क्लियर है बहुत बढ़िया मजा आ रहा है बच्चे। फिर बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 11 मई 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ, द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ। कल पहला हमने बता दिया था 18 मई 1974 कहाँ पे हुआ था बच्चे, पोखरण राजस्थान, स्माइलिंग बुद्धा जिसका नाम था, जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ 11 मई 1998 को। और इस वाले परमाणु परीक्षण का नामकरण किया गया शक्ति 98। ठीक है बच्चे 11 मई को कौन सा दिवस मनाते तो याद कर लेना नेशनल टेक्नोलॉजी डे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते, 11 मई को। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है बहुत बढ़िया। हाँ इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान भाई साहब ये थोड़ी सी असफल हो गई क्योंकि पाकिस्तान से युद्ध हो गया और उस युद्ध का नाम था कारगिल। आखिरकार कारगिल विजय हुई हम लोगों को, कारगिल युद्ध हम लोग जीत गए। कारगिल विजय स्मृति दिवस कब मनाते हैं, 26 जुलाई 1999 को, ये कारगिल युद्ध को हम जीते थे। ठीक है तो कारगिल विजय स्मृति दिवस इस दिन हम लोग मनाते हैं। क्लियर है अब बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना अगली पंचवर्षीय योजना है दसवीं।
टेंथ फाइव ईयर प्लान. दसवीं पंचवर्षीय योजना से कब से कब तक चली तो याद कर लेना, 2002 से 2007 तक. बिल्कुल ठीक है, 2002 से 2007 तक. अब जितनी पंचवर्षीय योजना है भाई साहब, सारी की सारी पंचवर्षीय योजना तुम लोग क्या कर लो, इस पंचवर्षीय योजना में एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ, पता क्या हुआ तो याद कर लेना, नरेगा एक्ट आया था. नरेगा एक्ट, एक्ट जब पूछा जाएगा तो 2005 लगाओगे, मतलब अधिनियम आया था. नरेगा का पहली बात तो फुल फॉर्म याद कर लेना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, गारंटी एक्ट. ठीक, अब क्या था भाई साहब, गांव में बहुत सारी बेरोजगारी फैली थी, तो ये हुआ कि लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा नरेगा के तहत, मतलब नरेगा एक्ट के तहत लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा, जिसमें भाई साहब नरेगा एक्ट के तहत एक योजना आई जिसका नाम है नरेगा योजना. नरेगा योजना सबसे पहले बच्चे ये कब आई तो याद कर लेना, 2006 कहाँ पर आई बच्चे नरेगा योजना, तो याद कर लेना आंध्र प्रदेश, एपी का मतलब यहाँ पर क्या है, आंध्र प्रदेश. क्लियर है, तो नरेगा योजना सबसे पहले कहाँ पे आई तो आप बता सकते हो, कौन से जिले में आई बच्चे, तो याद कर लेना अनंतपुर जिला. अनंतपुर जिले में सबसे पहले नरेगा को लागू किया गया, और याद कर लेना नरेगा के तहत बिल्कुल कन्फर्म है कि 100 दिन का काम पक्का मिलेगा, और अगर काम नहीं मिलेगा तो सरकार के द्वारा 100 दिन की मजदूरी जरूर दी जाएगी, पैसा जरूर दिया जाएगा. ठीक है, फिर एक प्रश्न आता है कि नरेगा का नाम बदल दिया गया, नरेगा का नाम बदला गया, पेपर में ये भी प्रश्न पूछा गया, नरेगा का नाम बदला कब बच्चे, कब गया, 2009 में, और नरेगा से क्या किया गया तो याद कर लेना मनरेगा, मनरेगा. और इसमें कुछ आपको नहीं करना, नरेगा का जो फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसी के आगे सिर्फ आपको एक शब्द पढ़ाना है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ठीक है, चलिए बताओ कमेंट करके बच्चे, हर बच्चे को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बताओ कमेंट करके फटाक से. हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा. आ गया, चिराग खराना ऐसी चीज पूछ रहे हो भाई साहब जिसको मैं बता ही नहीं सकता, समझ रहे हो. जो पढ़ाया जा रहा है वो तो पढ़ना नहीं तुम्हें, क्योंकि भाई साहब इतने टैलेंटेड हो आप सब. जो पढ़ा रहा हूं भाई साहब वो नहीं पढ़ोगे चिराग जी, लेकिन दुनिया भर की चीजें पूछ रहे हो. चलो, इतनी बात समझ में आ गई बच्चे, तो उम्मीद करते इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, दसवीं पंचवर्षीय योजना आपको अच्छे से तैयार हो गई होगी. ठीक है, हाँ अच्छा, इसका मॉडल तो लिख लेना, गरीबी तथा बेरोजगारी समाप्त करना. हाँ ठीक है, चलो बच्चे अब मैं तुमको बता दूं, अगली जो पंचवर्षीय योजना आई वो 11वीं पंचवर्षीय योजना आई, 11th नंबर की फाइव ईयर प्लान. और 11वीं पंचवर्षीय योजना जो बच्चे आई तो याद कर लेना कब से कब तक आई, 2007 से 2012 तक. ठीक है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना आप आराम से बता सकते हो 2007 से 12 तक का. भाई साहब इस पे जो लक्ष्य रखा गया वो क्या रखा गया तो याद कर लेना, तीव्रतम एवं समावेशी विकास, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, तीव्रतम एवं समावेशी विकास, रैपिड एवं इंक्लूसिव ग्रोथ. ठीक है, ये भाई साहब 11वीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रकार से क्या रखा गया था, लक्ष्य. और 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर रखी गई तो याद कर लेना बच्चे कितने परसेंट रखी गई थी, 9% बच्चे लक्ष्य रखी गई थी, प्राप्ति हुई थी 7.9%. एपी आप बता दोगे आराम से. अब भाई साहब जो 12वीं पंचवर्षीय योजना आई, बाकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में आपको कुछ नहीं पढ़ना. ठीक है, अब सीधा याद कर लेना 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं फाइव ईयर प्लान, केवल टाइम पीरियड याद कर लो पर्याप्त है. 12वीं पंचवर्षीय योजना का बिल सेम टू सेम लक्ष्य था, तीव्रतम एवं समावेशी विकास, केवल टाइम पीरियड इसका याद कर लेना 2012 से 2017 तक का.
ठीक है। तो इस प्रकार आपको पता चल गया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का भी टाइम पीरियड इतना है, तो सारी पंचवर्षीय योजनाओं का आपको टाइम पीरियड अच्छे से क्लियर हो गया, और इस प्रकार हमारी सारी पंचवर्षीय योजनाएं यहीं पे समाप्त होती है। अब हम लोग मिलेंगे एक इकोनॉमिक्स की लेक्चर थर्ड में, जो एक नया टॉपिक होगा, नई चीज होगी। तो साथियों उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कमेंट करके बताओ क्या आप सबको पंचवर्षीय योजनाएं बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना में कुछ है नहीं, 11वीं में कुछ नहीं, इसलिए मैंने बताया, तो आप आराम से बता सकते हो चीजों को, ठीक है। एक बार फटाक से कमेंट करके बताओ आप सबको बच्चे सारी पंचवर्षीय योजनाएं क्लियर हो गई, और आर्थिक नियोजन का पूरा यहाँ पे टॉपिक क्या होता है, समाप्त होता है जबरदस्त तरीके से, ठीक है। फटाक से कमेंट करके बताओ आप सबको क्लियर है, पीडीएफ तो आप सबको मिल ही जाएगी, डोंट वरी। चलो तो साथियों मैं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।